तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे। और मैं सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ, तो मोस्टली मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग। और आज है हमारा लास्ट डे आंटी के घर में, और जाने का बहुत एक्साइटमेंट है मुझे अपने घर पहुँचने का, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। आंटी घर से मिस करूँगी मैं तुमको, बहुत मिस करने वाली हूँ सबको, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो बस जस्ट पहले हाथ तो मैं कर रही हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। और पूरी रात यहाँ भयानक बारिश हुई थी, यहाँ पे माय गॉड इतना मोटा सा केंचुआ भी है। मैं बहुत दिनों बाद ऐसे केंचुए देखे मैंने, देखो केंचुए भी मैंने देखे बहुत दिनों बाद। यहाँ पे केंचुए मेंढक सब मिले हैं आंटी के घर में, वो भी केंचुआ है। और पूरी रात भयानक बारिश हुई, इतना बिजली कड़क रही थी, मुझे डर लग रहा लिटरली, मतलब 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भयानक बारिश हुई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चलो फिलहाल मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो आज हमारा लास्ट डे है, लगा रही आंटी पूरी टाइम काम करती हैं। और फिलहाल मैं यहाँ बना रही हूँ सूप और उनके लिए कप अपने लिए। और क्या, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, और आई थिंक 5 बजे के बाद हम लोगों ने एक प्राइवेट कार किया है, और तो उससे हम लोग जाएंगे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, फिर हमारी ट्रेन की 7:55 की है, 7:55 की है। तो इसलिए हमें सब कुछ अभी कॉलेज में रखना होगा, उसी लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत हैटिक वाला दिन है, एग्जाम भी है, पैकिंग भी करनी है, और जिनको भी देखना है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, करना तो नहीं। और बाबा जी को अभी भी कुछ लेके आए, फोन करके मुझे लाइव सुना है वो सेव दूँ है पानी वाले को मैं आपको दे, वो तो आ हो गया एकदम से, जैसे मैं आया था वैसी होगी। और ये मेरी बुक्स पड़ी है जो मुझे पढ़ना है, अर्जुन कुछ कपड़े सूखे नहीं हैं वो हैं, और पूरा रूम खाली हो गया है। और आंटी ने आज ब्रेकफास्ट बनाया है, मतलब पेट भर गया मेरे, प्यार आंटी का देख के दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में आंटी ने क्या दिया है आज हम लोगों को, मतलब ऐसे लोग जनरली मिलते नहीं हैं। ये देखो आंटी ने दी हमें चाय, और देखिए मिक्स पराठे हैं जिसमें देखिए आंटी ने कितना घी डाल के दिया परोसा है हमको, और टेस्टी पराठे बनाए आंटी ने, मज़ा आ गया। अचार थी, चाय थी, ये देखो अर्जुन खा रहे हैं, दोनों लोग खा रहे हैं। चलो मैं आंटी को दिखाती हूँ, क्या कह रही थी आंटी, चाय आंटी हो गया मेरा, अच्छा हाँ ले लो, नहीं आंटी दूध भी नहीं, दूध भी रखा ना, दूध नहीं पीते आंटी, उसका भाई का गिलास में रखा था दूध में, हाँ उसको उसे दोबारा दे देंगे, हाँ आंटी, हाँ आंटी के साथ रहे आंटी, ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ आंटी आप कहीं बाहर से मिले, लग रहा मेरे घर की अम्मा है। मेरी दादी भी ऐसी थी बिल्कुल आपके जैसी, लंबी एकदम इतनी गोरी, हाँ आंटी वो उन्हीं को दे देते हैं। तो आंटी ने एक और चाय दी है कि और चाय पियो और पराठे खाओ, तो ये लो चाय आंटी के, और पराठे चाय पियो लो और चाय, सूखे पराठे नहीं खाए जाते आंटी, तो खाओ पराठे और चाय। सबर लिया है क्योंकि आज जाना था, तो मैंने थोड़ा सा तैयार हो जाओ, आंटी वैसे भी कह रही थी किसी दिन तू मुझे तैयार होकर दिखा दे कैसी लगती है, ऐसे तू भूत बनी घूमती है। तो आज सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैंने पराठे भी खा लिया, आंटी ने इतना घी डाल के पराठे दिए, मतलब जनरली ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। आंटी को देख के मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई, वो भी ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा सबको इतना ही प्यार से खिलाना पिलाना करती थी। और फिलहाल क्या है, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, खाना बना तो चलता ही रहेगा, और आंटी का प्यार देख के मतलब मेरा तो जाने का मन नहीं कर, लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ जाऊँगी ऐसा लग रहा है, उदास हो रही हूँ मैं, मतलब मैं आंटी को मिस करने वाली हूँ पक्का, अंकल आंटी मतलब मुझे अपनी दादी बाबा की याद आ गई कि दादी बाबा थे तो इतना ही प्यार मिलता था, और बहुत सालों बाद कोई इतना प्यार करने वाला मिला, तो सच में मुझे तो ख़राब लग रहा है कि चलो वो आंटी से दूर जाना पड़ेगा, पर मैं आंटी का नंबर लेके जाऊंगी, आंटी को कॉल करने वाली हूँ। और फिलहाल जो आज का ब्लॉग होगा लंबे टाइम तक चलेगा, रात आज तक चलेगा, क्योंकि
विकास भैया और अभिषेक भैया, सिकंदर तो आज चला जाएगा, बाकी डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि हमारे उसमें एक हैं भैया, उनको मज़े सब लोग चिढ़ाते हैं तो डॉक्टर साहब कह के, वो सब लोग साथ में जाने वाले थे बट कुछ लोगों का रह गया है, तो कुछ लोग 4-8-10 लोग हमारे साथ जाएंगे। और इन दिनों में मैंने कि अपनी जो कॉलेज लाइफ होती है, बैचलर लाइफ जो होती थी, जो मैंने अपनी जो बैचलर लाइफ में नहीं जी और उसमें नहीं किया, वो मैंने यहाँ कुछ 10-12 दिन में कर लिया। दैन बहुत थैंकफुल हूँ मैं भगवान की ऐसे लोगों को मुझे मिलाया। तो कहते हैं ना लाइफ में कुछ अच्छे लोग अपने आप मिल जाते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। फिलहाल मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग को कंटिन्यू इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और ब्लॉग में क्या है ना, जो भी जैसा भी ब्लॉग मिलता है प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जैसा भी क्वालिटी मिलती है, जैसा भी कंटेंट आपको मिलता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थोड़ी सी मैं नई हूँ और अभी उतना आइडिया नहीं है, उतनी चीज़ें पता नहीं है क्या यूट्यूब पर आना चाहिए, क्या डालना चाहिए, कैसे एडिट करना चाहिए, पर मैं कोशिश करूँगी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए कि कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की थोड़ी सी मेहनत करूँगी। और चलो मिलते हैं। एग्ज़ाम देते देते शाम के 5 कब बज के पता ही नहीं चला और हमको तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि 7 बजे हमारी ट्रेन थी। वहाँ से 80 किलोमीटर था मेरठ, वहाँ से हमारी ट्रेन थी, तो बस हमें मेरठ पहुँचना था। तो हम लोग एक साथ निकल लिए मेरठ के लिए। हमने इस वैन को प्राइवेट किया हुआ था, वहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यही एक ऑप्शन था। यहाँ पे अर्जुन सो गया ताकि उसको संभाले हुए हैं। और ये देखिए हमने पर्स के साथ बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नीरज ने बताया कि आंटी बहुत रो रही थी जब मैं आया हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं तो आंटी से लास्ट टाइम मिलूंगी, क्योंकि मैं सीधे एग्ज़ाम से ही अपने कॉलेज से ही निकल आई थी, क्योंकि वहाँ पे ही नीरज पहुँच गए थे सारा सामान लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा था चलो आंटी एक बार मिल लेते, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था क्योंकि हमारी ट्रेन अगर लेट हो जाती तो फिर हमें नेक्स्ट डे आना पड़ता और हमारा एक दिन बर्बाद हुआ था। इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ये रात वाली ट्रेन पकड़ लेते तो हमारा अगला दिन सही होकर हमें एक दिन मिल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने वही डिसाइड किया। तो फाइनली हम लोग मेरठ पहुँच गए हैं और ये है कैंट वहाँ का, छावनी है मेरठ की। तो सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ यहाँ का रास्ता का, तो अच्छा लगता है रास्ते में वीडियो बनाना, कुछ ऐसा अच्छी चीज़ दिखने को मिल जाती हैं तो अच्छा लगता है कि आप वीडियो में कुछ दिखा देते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे हम सब लोग इस गाड़ी से इको करके कोई कार होती है उससे गए थे एक्चुअली। हाँ, बैन से डिफरेंट होती है। खत्म होने के बाद सीधे हम लोग बैठे अपनी प्राइवेट वो की एक कार टाइप की होती है उसको बुक किया और मेरठ पहुँचे। हमारी ट्रेन अभी 7:55 की है, अभी 6:40 हुए हैं तो काफ़ी टाइम है, 1 आवर्स है। तो फिलहाल हम मेरठ पहुँच चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा खाने पीने का आइटम देखते हैं कुछ मिलता है, तो उसको निकलने के लिए 1 घंटा है तो कुछ टाइम पास तो चाहिए होगा। और इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे सबका सफ़र अलग होता जाएगा, सब अलग अलग अपनी जगह डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। अभी तक तो सब साथ में, हम सब लोग साथ ही एक ही ट्रेन से जा रहे हैं और बीच बीच में सबके स्टॉप पे जाएंगे, सब जाएंगे चले जाएंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी ट्रेन लेट के मतलब टाइम पे से पहले आ गए, तो ये हमने खाने पीने का सामान सब ले लिया है और ट्रेन बस लग चुकी है। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और 7:30 हो चुके हैं ट्रेन में। हमारा टाइम 7:55 का है तो 10-15 मिनट है, तो ये लोग बाहर गए हैं कुछ लेने के लिए। हालांकि मैंने स्नैक्स वगैरह काफ़ी ले लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर लखनऊ तक कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो हम पहले लखनऊ जाएंगे, फिर वहाँ से IM वगैरह जाते हुए आशियाना जाते हुए लेके आएंगे अपनी कार उठाएंगे, कार हमारी लखनऊ में ही है, कहाँ से लखनऊ टू हरदोई जाने वाले हैं। और ये दिन कैसे कट गया पता है नहीं चला। और मैं आंटी पता लिटरली आंटी रोने लगी, ये मैं तो चली आई थी एग्ज़ाम के लिए तो मैं वापस नहीं गई। नीरज गया बोल रहा था नीरज कि आंटी जब आए तो ये आंटी रोने लगी, तो फिर मुझे सुनकर भी बहुत ख़राब लगा। एक्चुअली आंटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ऐसे कि मैं उनसे एक बार मिल लेती क्योंकि टाइम था हमारे पास ना, पर इट्स ओके। ऐसे बोलते ना लाइफ में कभी कभी अच्छे लोग ऐसे मिल जाते हैं और कई बार ऐसे गलत लोगों से आपका सामना हो जाता है जो कि मतलब उनको नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आंटी को मैं नंबर ले आई हूँ, उनकी बेटी का दीदी का सबका नंबर लेके आई हूँ मैं और सबसे बात करूँगी। और 11 दिन का सफ़र कैसे करते बताया नहीं चला। तो ट्रेन में सब लोग आते जाते हैं और लोग ऐसे देखने लगते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, जबकि लोगों को पता है कि आजकल YouTube का जमाना, ब्लॉगिंग का जमाना, पर लोग कभी नहीं सोचते कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लोग पर भी बहुत ध्यान से देखते हैं।
और बस इतना ही कहूँगी कि विकास भैया, अमन भैया, लोग मुझे मिले, अच्छे लोग मिले, लोगों के साथ एडजस्ट हो गए हमारा, लोगों ने हमें हेल्प भी करी तो अच्छा रहा हमारा सफर, वरना हम सोचते कि 15 दिन कैसे कटेंगे हमारे, कैसे हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा, गाँव की बात थी। और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जनरली ऐसे इंटीरियर जगह पर होते हैं, तो फिलहाल बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा सब कुछ गया, तो मैं इन दिनों को बहुत मिस करूँगी। तो चलो अब ट्रेन जब चलेगी घर पहुँचेंगे, इसके बाद अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और चले गए जो क्या आई एम वेरी सैड क्या चले गए ये मुंगी यही पे पाप ओए ऐसे नहीं बोला मंडला में रात में 1 बज झपकी क्या लगेगी, तो सुबह सुबह देखा कि हम लखनऊ पहुंच गए, तो अपने घर पहुंचने की भी एक अलग खुशी होती है। तो मैंने देखा चलो लखनऊ आलम नगर पहुंच गए, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेन ने मतलब पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। हम लोग हार्डली पहुंच जाते सुबह के 6 बजे, बट ट्रेन ने हम लोगों को लेट कर दिया। यहाँ पे 40 मिनट तक ये खड़ी रहेगी ट्रेन, क्योंकि अभी मैं ओवर वॉइस कर रही, तो मैं आपको पहले से बता दे रही, तो ये ट्रेन यहाँ अभी रुक जाएगी और इसके बाद यहाँ काफ़ी देर खड़ी रहेगी, देन इसके बाद ये हमको पहुंचाएगी चारबाग, वहां से फिर हम जाएंगे आशियाना। देखिए सुबह सुबह सनराइज़ होता है तो कितना खूबसूरत, एकदम रेड रेड होता है, तो पूरा कैप्चर नहीं कर पा रही थी मैं, पर देखिए इतना सुंदर लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज बहुत जल्दी निकल आता है, 5:30 से स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे तक प्रॉपर निकल आता है, तो ये सूरज निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर भैया क्या नहीं जा पाओगे क्योंकि लेट हो जाएंगे, चलो भैया आते रहते लखनऊ तब दे देंगे सब। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ, अपने शहर, अपने देश में, और हेडेक ख़त्म हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 6:30, ये लखनऊ चारबाग है बेटा, अभी बुआ को लेना है, बुआ को स्कूल छोड़ना होगा, बुआ जी को स्कूल छोड़ना होगा। अरे तो मैं बहुत थकी हुई थी, तो इस ब्लॉग को मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया, और अब आज इसके बाद अब आपको डेली ब्लॉगिंग मिलने वाली है, तो आप उसको एंजॉय करिएगा। और आप लोगों ने इन वीडियो को एंजॉय के लिए इसलिए आपको धन्यवाद, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे लिए, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।